सुप्रभात बच्चों, आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में मानव में भोजन करने के पश्चात आप लोगों में भोजन के किस प्रकार इंद्रियों से होकर हमारे भोजन का पाचन होता है, इस प्रक्रिया को हम निम्नलिखित चरणों से देख सकते हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट होता है अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण का मतलब है कि यह भोजन करने के लिए कुछ जंतु भक्षण करते हैं, तो इसको भोज्य पदार्थों को हम भोजन को अपने मुख के अंदर लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अंतर्ग्रहण। मतलब भोजन का भक्षण करने की प्रक्रिया। जब हम भोजन को अपने अंतर्गत लेते हैं तो उसे हम क्या करते हैं, अंतर्ग्रहण। पाचन में क्या होता है कि जब भी हम भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं, इस भोज्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन व अन्य कई पदार्थ उपस्थित होते हैं। ये कैसे होते हैं, जटिल पदार्थ होते हैं। इन जटिल पदार्थों को छोटे सरल अणुओं में तोड़ने की क्रिया पाचन कहलाती है। यह प्रक्रिया हमारे मुख से ही प्रारंभ हो जाती है, जो कि हमारे मुख में उपस्थित लार सलाइवा जो होते हैं, ये क्या करते हैं, हमारे भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट के साथ मिक्स हो जाते हैं, तथा इसके बाद यह भोज्य पदार्थ इन भोजन में उपस्थित अन्य कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा विटामिन, प्रोटीन, अन्य कई पदार्थ होते हैं, तो उनके जटिल पदार्थों को सरल अणुओं में तोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है, पाचन। अब आते हैं हम तीसरे पॉइंट पे, अवशोषण पे। तो जो भी हमारे भोज्य पदार्थ जो छोटे छोटे कणों में टूट चुके हैं तथा सरल अणुओं में बन चुके हैं, तो इन सरल अणुओं से ऊर्जा का अवशोषण करना, अवशोषण करना ही कहलाता है हमारा क्या अवशोषण। भोजन में उनका क्या क्रिया अवशोषित होती है तथा यह सामान्यतः रुधिर व नसिका के में शरीर की
कोशिकाओं में पहुंच रुधिर व लसिका में उपस्थित के द्वारा किस कोशिकाओं में पहुंच जाते हैं। तथा अब इसके बाद आकर पांच होता है स्वांगीकरण। तो स्वांगीकरण क्या होता है कि इस अवशोषण की प्रक्रिया के बाद जो भी हमारे भोज पदार्थ में अन्य अधपचा भोजन हुआ, उस अधपचे या जिससे जो बचे हुए भी भोज पदार्थ हैं तो उनको क्या कहते हैं, इन अधपचे छोटी आंत में इन अधपचे भोजन को भोजन से पुनः ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया स्वांगीकरण कहलाता है, जिससे क्या होता है हमें जो भी बाकी पदार्थ, अब इसके बाद इस पुनः ऊर्जा प्राप्त कर लिया, अब जो पदार्थ बचे उन अगले पॉइंट पे जो भी अब बचा हुआ ग्रह पदार्थ या खराब पदार्थ बचा, इन ग्रह पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना, क्या करना था उत्सर्जन। तो ये हो गए हमारे पोषण पाचन के मानव में चरण। अब आप लोगों को इस चैप्टर में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन हो चुका है, ग्लाइकोलिसिस हो चुकी है, क्रैक चक्र हो चुका है। अब आप लोगों को पहले चैप्टर में कुछ पिक को हम अभी भेजने जा रहे हैं, जिसके द्वारा आप लोगों को यह चक्कर अब समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम अगली कक्षाओं में आप लोगों को अगले क्वेश्चन आंसर जो होंगे उनको हम पिक के द्वारा या पीडीएफ फाइलों के द्वारा आप लोगों को पहुंचाएंगे। और यह सब चैप्टर अब समाप्त हो गया है।